ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਹੋ 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 ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਡੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ चार जमाते पास की हुई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंड अदाकारा, और उन्होंने बेशुमार फिल्मों में अपनी किरदार निगारी के जौहर दिखाए। और सही मानों में अगर कहा यह जाए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ये पहली सुपरस्टार थी तो ये बेजा नहीं होगा। और चौधरी फिल्म से इन्होंने बाकायदा अपने सफ़र स्टार्ट किया। 1962 में ये फिल्म मंजरेआम पर आई और सुपरहिट ये फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी। और उस फिल्म के बाद उन्होंने मुड़ के ना देखा। और उनका नाम है नगमा बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत आपके क्रेडिट पे इतना काम है, इतना ज़्यादा काम है कि जिसको हम शायद इस वीडियो में पूरा नहीं कर सकते। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आप सुपरस्टार रही हैं और पाकिस्तान के लिए आपने बेहद काम किया है। तो आपका जब इब्तदा हुआ था, एक आपने रानी खान के नाम से भी 1960 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, लेकिन शायद वो 2-3 सीन थे। तो फिर ये कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुई, कुछ थोड़ा सा बताएं। बस मुझे शौक था ना कि मैं भी काम करूं और फिल्मों। तो हमारे वहाँ मोहल्ले में एक मेकअप मैन, उनका घर था वो अनवर कुमार पाशा या इच्छरे में हम रहते थे, तो उनके यहाँ सामने उनका घर था, उनके यहाँ वो होते थे, उनका काम करते थे। तो मुझे बहुत शौक हुआ तो मैंने उससे बात की, तो बस उसके थ्रू मैं उसके बाद था। तो आपने पहले, आपको क्या ऐसा नहीं हुआ कि जी किसी उर्दू फिल्म में ऑफ़र की गई पहले, क्योंकि चौधरी के नाम से जो फिल्म रिलीज़ हुई, असलम ईरानी साहब उसके डायरेक्टर थे। नहीं, और चौधरी के नहीं, चौधरी अमीन मलिक साहब थे। अमीन मलिक साहब उसके डायरेक्टर थे। हाँ जी। ओके। और प्रोड्यूसर ए हमीद साहब थे। ए हमीद साहब उसके प्रोड्यूसर थे। और असल में तो वो थे नसीम पॉपुलर। नसीम पॉपुलर, जी जी जी, वो बना रहे थे। ये फिल्म उनका एक इदारा भी था, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये उन्होंने शुरू की थी फिल्म। तो आपको ऐसा लगता था कि ये फिल्म इतनी सुपरहिट हो जाएगी और उसके बाद आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारा बन जाएंगी? नहीं, उस वक्त तो मुझे ये नहीं पता था कि फिल्म में खड़ा कैसे होना है। मतलब टीनेजर थी मैं, और उससे पहले मुझे तजर्बा नहीं था कि मैं फिल्म में कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो मुझे पता नहीं था। तो फिर मुझे उस फिल्म में पता लगा जाके, जब मुझे डायरेक्टर ने सारा काम करवाया, समझाया, बताया, तो पता चला। उसके बाद आपने पंजाबी फिल्म जब आपकी एक हिट हुई तो उसके बाद आपकी उर्दू फिल्में शुरू हो गई, मेहताब में भी। मैंने वही बात करने वाली थी कि मैं उर्दू फिल्म, मेरी दूसरी फिल्म थी जी, हाँ, मेहताब। जी जी जी, शबाब शबाब प्रोडक्शन की। और माँ के आंसू, जी हाँ, उसमें आपका यादगार किरदार था। आज भी वो फिल्म पूरी दुनिया में लोग उसको देख के और बताते हैं, हम तक वो फीडबैक आता है। तो बेशुमार आपकी फिल्में थी। तो उर्दू फिल्मों का ये सफर आपका जारी रहा, आपने मुतअद्दिद फिल्मों में उस वक्त काम किया। उसके बाद फिर एक दफा पंजाबी फिल्म की तरफ आई, मुखड़ा चंद वर्गा और खान चाचा। खान चाचा आपकी, उस वक्त आपको पता था कि ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी प्लैटिनम जुबली फिल्म हो जाएगी? आप नहीं, ये नहीं पता था। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि ये गाने में पिक्चराइज जो करवाती थी जी जी। तो कितने मेरे सुपरहिट हुए हैं और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी उनमें, तो ये पता नहीं होता। ये तो फिल्म बन जाए और स्क्रीन पे जाके लोग देखें तो वो फैसला करते हैं कि कौन सा गाना अच्छा है, कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सा। आप पे जो मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे ज़्यादा सुपरहिट नगमात आपके ऊपर वो फिल्म आए गए हैं। और ये क्या आप ये खुशनसीबी अपनी नहीं समझती कि जिस साफ सुथरे वो गाने हुआ करते थे? मैं अब देखती हूँ, उस वक्त तो मुझे इतनी सेंस नहीं थी
लेकिन मैं अब देखती हूँ तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, और मैं कहती हूँ अल्लाह की रहमत थी मुझ पे कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि ये गाना मुझ पे करें या मैं ये नहीं करूँगी या वो करूँगी, मुझे पता ही कुछ नहीं, मैं सादगी में अपना काम कर रही थी। तो वो जब अल्लाह इज़्ज़त देता था तो मैं अब बहुत खुश होती हूँ कि उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, और अब अभी तक वो रीमेक बन रहे हैं गाने और अभी तक पॉपुलर हैं गाने। और आपके गाने शायद आपको आइडिया नहीं है कि रोज़ाना पूरी दुनिया में हम, क्योंकि YouTube चैनल रन कर रहे हैं तो हमें कुछ ट्रैफिक का पता होता है कि किस तरह, तो पूरी दुनिया में जो है वो आपके गाने वो सर्च किए जाते हैं और लोग देखते हैं, तो क्या आप इसको अपनी खुशनसीबी नहीं समझते? बिल्कुल समझती हूँ, क्यों नहीं समझती, क्योंकि हर आर्टिस्ट चाहता है जब वो मेहनत करता है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे पसंद किया जाए और वो दुनिया उसको लाइक करे या देखे उसके गाने या फिल्म देखे। तो मेरा भी दिल यही चाहता था और चाहता है अभी भी कि मुझे शौक़ बहुत था, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी और लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और पसंद किया। आप लोगों ने बड़ा एक शफाफ और साफ काम किया और लोग आज भी आपको अपना आइकॉन समझते हैं, तो क्या ये फ़र्क ये क्यों पैदा हुआ, ये किस तरह के लोग आ गए थे कि जी बिल्कुल इंडस्ट्री चेंज हो गई और आज इस मुकाम पे है? बात ये है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, मतलब जहन बदलते हैं, चॉइस बदलती है। हमारे ज़माने में बड़े सादा और सीधे लोग थे, जो फिल्म बना रहे थे वो भी बड़े अच्छे थे और सीधे थे, और जो काम कर रहे थे वो भी सीधे थे। तो मतलब कहने का है कि एक वक्त होता है, उस ज़माने में ये स्टाइल चल रहा था, क्योंकि फिल्म के अलावा कोई तफरी नहीं थी उस वक्त। ठीक। अब तो इतना वसी हो गया मीडिया के बच्चे देखते हैं, फ़ोन पे हर चीज़ बैठे बैठे देख लेते हैं, तो उनको फिर वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो, तो ऐसे ही जहन फिर बदलते हैं। और तो कोई बात नहीं है, इंसान वही हैं, बस वक्त जैसे जैसे बदलता है इंसान भी बदल जाते हैं। आपने बेशुमार उर्दू फिल्मों में काम किया और यंग टू ओल्ड, आई थिंक शायद दिया और तूफान में आपने वो काम किया वहाँ से, तो आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगा कि एज ए हीरोइन आपने काम किया, फिर आपने यंग टू ओल्ड काम किया, फिर उसके बाद आप माँ बनी, तो इन तीनों दर्जा बदर्जा जो ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आया, तो इसको आपने मतलब वक्त की मजबूरी है समझा, या आपने कहा कि जी चैलेंजिंग ये मैं किरदार करूँगी? मैं आपसे एक बात करूँ कि रंगीले की फ़िल्म थी दिया और तूफान, बिल्कुल कोई हीरोइन तैयार नहीं थी, मैं भी हीरोइन थी उस वक्त और बाकी हीरोइन कोई तैयार नहीं थी कि वो उसके साथ काम करे इस करेक्टर में, यंग टू ओल्ड था वो, तो मैंने खुद कहा रंगीले को, यानी वो मेरे पास आया तो उसको परेशान था कि देखें मुझे टाइम दे के हीरोइनों ने इनकार कर दिया कि नहीं जी आप हम बूढ़ी नहीं बनेंगे, वाइटनर नहीं लगाएंगे, तो वो आके रो पड़ा मेरे पास कि देखें मैं क्या करूं, तो मैंने कहा मैं करूंगी। बात ये है आर्टिस्ट को आर्टिस्ट होना चाहिए, ये नहीं है कि माँ हो या हीरोइन हो या फलां हो, करके दिखाएं ना कि आपके में ये पावर है, आप कर सकते हैं, तो वो मैंने करके दिखाया। हाँ, तो मेरे लिए मुझे चैलेंज कबूल करती हूँ मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है कि जो काम दूसरे ना कर सके मैं कहूँगी मैं करती हूँ, तो मैं ये समझूं कि मैंने करके दिखाया। दिया और तूफान में पहले कोई और हीरोइन एज ए हीरोइन थी, लेकिन वो रंगीला साहब को एक तरह से मैं ये समझूं कि वो धोखा उन्होंने दिया और वो उन्होंने नहीं करनी चाहिए वो फिल्म, क्योंकि अब ये जो हमारा इंटरव्यू ये एक तारीख मुरतब करने जा रहा है और इसको पूरी दुनिया देखेगी, तो आपकी ज़बानी जब ये जो चीज़ जा रही है तो उसको ज़ाहिर है कि आपके जो चाहने वाले हैं और आपके फ़ैन्स हैं वो इसको गौर से सुनेंगे और इस बात को नोट करेंगे, तो ये आपके लिए भी बड़ी एज़ाज़ की बात थी कि आपने वो चैलेंज कबूल किया। तो रंगीला साहब की फिर आपको उस वक्त क्या लगता था, क्योंकि रंगीला साहब की जो मेरी जो मालूमात है कि इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेने को तैयार नहीं था, बिल्कुल, तो उसके बाद आपको उस वक्त क्या लगता था कि जब फिल्म रिलीज नहीं हुई कि क्या होगा इसका? मैं जब काम शुरू किया था ना, फर्स्ट डे गई हूँ, तो मुझे हंसी आती थी, वो बताता था ना ट्रेजेडी सीन, तो मैं हंस पड़ती थी, मैंने कहा क्योंकि
वो कॉमेडियन है, कुछ भी बात करेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कॉमेडी में कर रहा है। तो मैं उसको देखती तो हंस पड़ती थी, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि वो काम में बहुत सिंसियर है। जी जी। उसने उस कॉमेडी को मुझे ऐसे बैठ बैठ के समझाया कि देखे मेरी बात सुने, आपके जहन में मैं कॉमेडियन हूँ लेकिन मैं काम जो है ना वो सिंसियर होके कर रहा हूँ और मेरा पैसा लग रहा है, इससे ज़्यादा हमदर्द कौन होगा फिल्म में। तो वाकई मैंने जब उसने काम किया, मैं उसके साथ चलती गई ट्रेजेडी, पहले तो लाइट लाइट सीन थे ना, तो ट्रेजेडी जब मैंने करने पर आई तो मैंने तो देखा कि वो तो रो पड़ता था, मतलब काम हमसे जब करवाता था, मतलब बता रहा होता था कि आपने ये सीन इस तरह करना है तो वो रो पड़ता था। तो मैंने कहा ये कॉमेडियन हो के और ये इसको हम ये समझते हैं वो रो पड़ता है तो हम तो ऐसे नहीं रो सकते ग्लिसरीन के बगैर। तो मुझे तो कायल होना पड़ा कि नहीं नहीं ये सिंसियर है अपने काम से और काम को काम समझ के कर रहा है, इसलिए सीरियस होना पड़ा। जो हम एक दो थे ऐसे लोग के लाइट सा ले रहे थे उसे। आज रंगीला साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन रंगीला साहब ने एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुताबिक फिल्में बात की, रंगीला साहब की बात है निकल आई है, तो रंगीला साहब एज ए डायरेक्टर कैसे आपको साबित हुए कि जी पहली फिल्म में और बाद में फिर आपने उनके साथ काम किया? नहीं, बाद में मैंने काम नहीं किया क्योंकि वो ऐसा हुआ कि इत्तफाकन उनके साथ काम करने का मौका नहीं बना मेरा। लेकिन उसमें आसिया और ये वो और निशो और ये वो शायद वो अपने हिसाब से ऐसी हीरोइन लेना चाहते हों जो कि उनको उस करेक्टर में सूट करती है, इसलिए। तो मुझे तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि कोई एक फिल्म में प्रॉब्लम में आया था मेरे पास तो मैं उसका कोई उसको कहूँ नहीं, वो उसको सूट करता होगा वो ज़रूर लेता, नहीं सूट किया इसलिए मुझे उसने नहीं लिया। तो फिर कुछ अरसे बाद मैं भी कोई 8-10 साल के बाद मैंने मदर प्ले करने खुद भी शुरू कर दिए। लेकिन मदर प्ले फिर आपने वो बाद में किया, लेकिन जब आपने ये उर्दू फिल्में आपकी बहुत अच्छी सुपरहिट फिल्में थी और काबिले तारीफ़ वो फिल्में थी, फिर अचानक मुखड़ा चंद वर्गा और सुल्तान और खान चाचा और सुपर डुपर हिट हद जोड़ी, आपकी ये आपकी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं जिनका मैंने नाम लिया, तो उसके बाद आप पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म की नंबर वन हीरोइन बन गई और गो के उस वक्त फिरदौस बेगम भी मौजूद थी और दीगर अदाकाराएं थी, लेकिन आपने अपना एक अलग पहचान अपने बनाई। तो अचानक आपने क्यों स्विच ओवर किया कि जी आप उर्दू फिल्मों की जगह आप पंजाबी फिल्मों की तरफ आ गई, ऐसा क्यों महसूस किया आपने, ऐसा क्यों किया? बात यह है कि जब आर्टिस्ट काम कर रहा होता है तो उसकी डिमांड शुरू हो जाती है जी कारोबारी हिसाब से, तो लोगों ने मुझे ज़्यादा पंजाबी फिल्म की हाइट वाइट ये वो जिसम मतलब ये समझा कि जी ये हमें इसमें अच्छी लगती है, तो लोगों ने पसंद करना शुरू किया तो फिर वो पंजाबी फिल्में ही चलती रही। उसमें हमारा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी मैं उर्दू में नहीं करती तो पंजाबी में करती हूँ, ये तो पब्लिक का जहन है कि वो किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, पंजाबी को उर्दू को या किस हमें साइड पर, तो वो उन्हें मैं शायद पंजाब की लगती थी या पंजाबी उन्हें मेरी समझ अच्छी लगी कोई, तो उन्होंने फिर वही पसंद की फिल्में, तो लोगों ने अपने जाहिर है जो चीज़ चलेगी उसको ही अपनाएंगे ना, उसे ही बनाएंगे। बहार बेगम आजकल है नहीं, वो अमेरिका में है, मेरा उनके घर बहुत जाना आना और वो बहुत मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, तो उनसे जब भी बात होती थी तो वो आप कि जी आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, तो वो हमेशा नगमा का नाम लिया करती हैं। इसी तरह से सैयद नूर साहब के पास जब भी मैं जाता हूँ तो सैयद नूर साहब से मैं कहता हूँ कि जी वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आपको कम तंग किया और ज़्यादा अच्छा काम किया, उन्होंने कहा ओनली नगमा बेगम। तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर, आप क्या समझती हैं कि सैयद नूर साहब आज भी आप उनके साथ काम कर रही हैं, वो कैसे डायरेक्टर हैं नूर साहब? मैंने आज भी उनकी अभी भी फिल्म कर रही हूँ तेरे बाजरे की राखी, तो वो ये है कि वो समझते हैं कि मैं नेचुरल काम करती हूँ, मतलब कि एक्टिंग मैं नहीं करती, जो मैं करेक्टर देते हैं उसमें डूब के अपने आप को
अपने उसमें इन्वॉल्व करके मैं काम करती हूँ तो वो खुश होते हैं, कहते हैं मुझे नेचुरल काम करना अच्छा लगता है, ये नहीं है कि आर्टिफिशियल लगे कि जी नानी है या माँ है या वो इस तरह से बात, तो मैं वैसे ही ढल जाती हूँ। क्योंकि आर्टिस्ट का मतलब ही यही है कि अदाकार के अदा करें आप वो चीज़ जो करेक्टर है, तो फिर आप अदाकार बन सकते हैं, वरना तो फिर वो शायद यही समझते हैं कि तंग तो मैं खैर नहीं करती, इसलिए कि क्या फ़ायदा है, काम तो करना है तो करो ना, मतलब हार्डर हमी नहीं होनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं, बातें करना भी नहीं अच्छा लगता और किसी के ऐसे फारिग बैठना भी अच्छा नहीं लगता। तो जो बंदा काम करता है तो फिर लोग उसे पसंद तो करते हैं। और इसीलिए देखा ये गया है कि आपके बहुत कम इंटरव्यूज़ हैं, आपको ज़्यादा मतलब इंटरव्यूज़ नहीं देती हैं, और आप हमारे साथ भी जो है ना बड़े अरसे बाद आपने अट्रैक्शन किया और फिर हमें इंटरव्यू। तो मैं लास्ट ईयर जब वहाँ गया था शेरगढ़, तो वहाँ आप नूर साहब के आप सेट पर थी और मैंने देखा सख्त सर्दी थी वहाँ और आप वो वहाँ जो काम हो रहा था, तो वो अब आप थोड़ा सा उस हीरोइन वाली एज में नहीं है, लेकिन अब तो आपको इस वक्त काम करते हुए थोड़ा सा महसूस नहीं होता कि जी सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता? वहाँ तो बहुत सर्दी थी। पता क्या बात है, आप आर्टिस्ट की नेचर को नहीं समझते। जिस चीज़ का उसको अंदर शौक है ना या है, उसके लिए वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता, गर्मी सर्दी सब कुछ। मुझे तो फील ही नहीं होता, मेरे में तो और एनर्जी आ जाती है जब मैं फिल्म का काम करती हूँ या शोबिज़ का कोई भी, जैसे ड्रामे हैं या स्टेज है, स्टेज तो खैर मैंने नहीं कभी किया, बहरहाल फिल्म और ये जो टीवी है तो उस पर मैं करती हूँ, तो मुझ में खुद कुदरती तौर पर एनर्जी आ जाती है कि मुझे काम अपनी क्या कहते हैं इंसाफ से करना चाहिए, अंदर से करना चाहिए, तो जो मेरा दिल कहता है तो मैं वो करती हूँ, मेरे में खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि इससे मुझे लगाव प्यार है काम से और लगाव है और मैं शौक से करना चाहती हूँ। टेलीविज़न में भी आपने काफ़ी काम किया और मुतअद्दिद जो ड्रामा सीरियल्स वो किए, तो टेलीविज़न में आपने कम काम किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि टेलीविज़न में और इस काम में फिल्म के काम में कितना फ़र्क है? फ़र्क है भी और नहीं भी, मतलब जैसे कि काम के लिहाज से आर्टिस्ट के लिए कि अगर मैं हम फिल्म में दो तीन सीन करते हैं दिन में, तो वो 15-15 सीन भी कर लेते हैं, उस बात से कई आर्टिस्ट घबरा जाते हैं कि क्वालिटी नहीं रहती, आप ज़्यादा सीन करने से वो क्वालिटी उसमें नहीं आ सकती, जो जल्दी जल्दी आप 5 सीन करने हों या 15, कितना फ़र्क है। तो बस ये कभी कभी मेरे जहन में तो यही आती है बात, बाकी वहाँ वो नहीं रह गया आर्टिस्ट, और टेम्पो में भी बड़ा फर्क, मतलब फर्क आ गया टेलीविजन के और उसके। तो फिल्म में आप क्योंकि बड़ा उसको पैसा उस पर ज़्यादा लग रहा होता है, उसको सोच समझ के, अब बाजरे दी राखी शाह जी ने बहुत अपने करोड़ों रुपया लगाए, तो वो फिर हाँ तो पैसा लगेगा, तो फिर आप उसको अच्छी तरह फिनिशिंग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई नई और अच्छी कहानी और अच्छा हर चीज़ अच्छी हो। अभी तो आप परवेज जनाब मोहम्मद परवेज सलीम साहब, उनकी भी मैंने फिल्म की है, वो कर रही हैं, तो उसके साथ साथ और फिल्में आप कर रही हैं इस वक्त? अभी तो ये रिलीज हूँ जी, तो यही रिलीज़ नहीं हो रही क्योंकि कोरोना की वजह से, तो अगर रिलीज़ होती हैं तो डेफिनेट मैं करूँगी और वो होगा काम, लेकिन अभी तो स्टॉप हो गया ना। आपको क्या लगता है ईद उल फित्र पे इंशाल्लाह लेजेंड ऑफ मौला जट और ये जो फिल्में हैं तेरे बाजरी दी राखी और दीगर कराची की फिल्में ये रिलीज होने जा रही हैं, तो आपको होप है इंशाल्लाह बेहतरी आएगी? मुझे लगता है अल्लाह अच्छा करे, एक इनर कहता होता है ना कि ये काम अच्छा हो जाएगा, हमारे ये है कि पंजाबी फिल्मों का बहुत अच्छा पंजाब में ये चलेंगी, मतलब फिल्में कामयाब रहेंगी, क्योंकि पंजाबी तो पंजाबी फिल्में
ज़्यादा देखने का शौक है उन्हें। आप की जो फिल्में हैं दीगर जो पाकिस्तान में आर्टिस्ट हैं, अगर आप शमीमारा बेगम हैं, फिरदौस बेगम हैं, बहार बेगम और दीगर जो लोग हैं उनमें एज ए जो हीरोइन भी आपकी उन लोगों से ज़्यादा फिल्में हैं, और अगर टोटल फिल्म की तरफ आएँ तो तकरीबन आपकी 400-450 के करीब फिल्में हैं, तो आपको ख़ुद को ये लगता है कि आपने इतना काम कर लिया है और बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आप कुछ कभी ऐसा महसूस हुआ कि इतना काम कैसे किया आपने? पता है, आप सोचें, जो जिस आर्टिस्ट को बहुत शौक होगा या मेहनत से करता होगा या उसको जो भी आप समझ, तो वो उसको कैसे याद रहेगा कि मैंने इतनी फिल्में कर ली। वो ऐसे है कि लगा हुआ है। मैं कई दफ़ा कहती थी तो मैं कोहलू का बैल हूँ, आँखों पे खोपे लगाए हुए हैं और घूम रही हूँ, मतलब शूटिंग्स में कर जी, 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 जी। मुझे इतना यानी इस काम से लगाव था कि मैंने ये सोचा ही नहीं कभी कि मैं कितना काम कर रही हूँ। और अब आके मुझे पता चलता है जब मुझे दूसरे लोग बताते हैं कि आपकी ये फिल्म, आपकी वो फिल्म, जो मुझे नहीं पता होता और मुझे नहीं याद होती, वो मुझे कहते हैं तो मैं हैरान होती हूँ। और अब जैसे रानी खान जैसी फिल्म थी, हाँ, वो शायद आपको याद नहीं है, लेकिन असल फिल्म आपकी पहली वही थी जिसमें आपके दो सीन थे। तो अच्छा, आपने मुतअद्दिद तकरीबन हर डायरेक्टर के साथ काम किया, परवेज राना साहब, मसूद भट्ट साहब, दाऊद भट्ट, सैयद नूर, इकबाल कश्मीरी व दीगर, वही डार साहब थे जो बड़े उस वक्त, और एम अकरम, उनके साथ भी आपने बहुत काम किया और उनकी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तो वही डार साहब और एम अकरम साहब, आप क्या समझती थी कि वो किस तरह के डायरेक्टर थे उस वक्त के काम के हिसाब से? बहुत अच्छे दोनों अपना डायरेक्टर, अपने अपने स्टाइल के, मतलब इनका ज़रा ट्रेजेडी सेशन जो है वो ज़्यादा मजबूत था वहीदार साहब का, और वो अकरम साहब का जो है वो कॉमेडी उनकी बड़ी, आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन तो चलते हैं साथ में, वो एक पेयर कॉमेडी का भी चलता होता था उसमें, वो ज़्यादा अच्छी कॉमेडी उनकी मैंने देखा कि फिल्मों की है। इसका मतलब है कि वो अपने एक अपने अपने स्टाइल के अलहदा अलहदा अच्छे दो डायरेक्टर दोनों थे। अच्छा, ते जनाब पैरा दे रहे ने। की गल है? पता नहीं की गल है, मैंने आज नींद ही नहीं आ रही, शायद ओपरी जगह ना। घबराने वाली कोई गल नहीं। हीरोज उस वक्त आपने हीरोज के तमाम के साथ काम किया, तो आपने ज़्यादा काम किस हीरो के साथ किया? क्योंकि उस वक्त मोहम्मद अली साहब भी थे, हबीब साहब थे, सावन भी उस वक्त आया करते थे और दीगर लोग, तो आपने सबसे ज़्यादा किस? वैसे मैंने, मेरे ये है कि सबसे ज़्यादा मैंने तो हबीब साहब के साथ किया और इजाज के साथ, सबसे मतलब तो, लेकिन मैंने अकमल जो था उनसे, उनके साथ भी काफ़ी काम किया। जितनी देर तक वो जिंदा रहे वही मेरे साथ हीरो होते थे हर फिल्म में। वहीद मुराद साहब जो है वो रोमांटिक फिल्मों के हीरो हुआ करते थे और आप एक्शन फिल्मों में नजर आती थी, वहीद साहब के साथ भी आपका काम करने का इत्तेफाक हुआ है? हाँ, मैंने उनके साथ कुछ फिल्में की हैं, जैसे कि मैं एक फिल्म थी ममता जब नई नई आई थी, उसमें वैसे मैडम यास्मीन थी और बहार थी, हबीब थे उनके पेयर में, तो मेरा पेयर वहीद से बना था, ये कराची से नया नया आए थे उस वक्त, तो वो ममता की फिल्म मैंने, फिर और भी काफ़ी फिल्में की, मस्ताना माही भी की और कुछ याद आती हैं कुछ नहीं आती। एक फिल्म थी प्यारी जमशेद, जी नकवी साहब की, जमशेद नकवी, तो वो मैंने की। फिर ये है कि ये आवाज़ जिसमें मोहम्मद अली साहब के साथ मेरा मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे प्यार, तो वो की, घेराव की उनके साथ वो भी थे उसमें, इस तरह से काफ़ी मैंने उनके साथ भी काम किया। एक तार दीवार भी बन सकती है राजू, हो सकता है मेरे डैडी ने मेरी शादी करने लिए मुझे बुलाया होगा, जब मेरी शादी होगी तो फिर क्यों होगा घर राजू? सबसे पहले पाएगा तू इस दुनिया में छोड़ेंगी जमीला, राजू नहीं होगा। पागल ही हो जान जी, टेलीग्राम मेरी सालगिरह भी आई है, तो तेन ऐसा तो भी दस नहीं है कि तू उधर जरूर आना है। मैं नहीं आवांगा,
तेरी तेरी सालगिरह रुक जाएगी। तो नहीं आएगा, अल्लाह की कसम सालगिरह भी नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि वहीद मुराद साहब के साथ इस इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ ज्यादतियाँ नहीं हुई उनके साथ कि जी वो भी अपने जो है वो दुख लेके इस दुनिया से चले गए? वो कैसे लोग ये कहते थे वो मगरूर हुआ करते थे, वहीद साहब के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ जैसे लोगों से सुना कुछ अपसेट थे वो डेथ से पहले, तो ये तो उनका ज़ाती मसला है, पता नहीं कि क्यों क्या। बहरहाल हमें उनके ज़ाती ज़िंदगी में या उनके दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने उसके साथ काम किया, मुझे वो मगरूर इस टाइप का नहीं लगा। और लोग कहते हैं, लेकिन मैंने भी काम किया उसके साथ, कुछ तो फिल्में की, मुझे तो फील नहीं हुआ। हाँ ये है कि जब कोई अपसेट होता है आर्टिस्ट ख़ास तौर पे, वो ज़्यादा ही फील करता है, खुशी को भी ज़्यादा फील कर जाता है, दुख को भी, और क्योंकि आर्टिस्ट हसास होता है, सेंसिटिव होता है, तो शायद इसमें वो कर जाता हो। उस जिन लोगों ने ये कहा है उनका शायद तजर्बा ऐसे हुआ हो कि वो उस वक्त मिले हैं जब वो अपसेट, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे मेरे मुझे तो नहीं लगा था। गाने की पिक्चराइजेशन में ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है कि वहीद मुराद साहब और वहीद जनाब हबीब साहब, वो मेरे भी बड़े फेवरेट हीरोज़ में से हैं, तो हबीब साहब और वहीद मुराद साहब, इनमें से आपको क्या लगता था कि ज़्यादा खूबसूरत गाने कौन पिक्चराइज कराता था? अब उर्दू के लिहाज से तो वो बहुत अच्छे वहीद साहब वो अच्छा था, लेकिन अगर पंजाबी के लिहाज से आप बात करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी इकट्ठे पंजाबी फिल्मों में, तो उसमें एक दूसरे को बता भी देता है ना, बंदा ऐसे कर ले मैं ऐसे करूँगा, या आप ऐसे कर ले मैं ऐसे कर ले, तो वो पंजाबी के लिहाज से ज़्यादा पॉपुलर थे गानों में हबीब साहब। हाँ जी ठीक है। हबीब साहब 19 जब ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई दौर से, उसके बाद वो काम कर रहे थे, आप उनसे जूनियर थी, फिर उसके बाद आपका उनके साथ फिल्म में पेयर बना, उसके बाद फिर वो पेयर बनते बनते आपकी उनसे शादी हुई जी, जी। तो वो ये शादी ये किस सन में आपकी ये हुई, कुछ थोड़ा सा? ये तकरीबन 74 की बात, अच्छा, जब मैंने शादी की तो बस, लेकिन एक डेढ़ दो साल तो हमारे दोस्ती भी रही ना, इकट्ठे काम करते जी, थे बिल्कुल बिल्कुल, तो एक दूसरे को अच्छे लगे तो अपना लिया, तो बाकी अल्लाह के काम जी। तो हबीब साहब के बेटा या बेटी है? जी बेटी है ना मेरे पास, बेटी है, तो वो आपके साथ ही होती? जी हाँ, वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में अपने मियाँ के साथ, उनके दो बेटे हैं वहाँ, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके साथ रابطے में रहते हैं? जी रابطے में रहते हैं। सुल्तान राही साहब के साथ आपने काम किया, फिर बाद में शान की वालदा माँ का किरदार किए, तो सुल्तान राही साहब के साथ आपने कितनी फिल्में तकरीबन की होंगी? या बहुत सारी फिल्में की हैं। अच्छा, उसमें मैं करेक्टर एक्टिंग में ज़्यादा की हैं। सही, हाँ, तो लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा इंसान। आप क्या समझती हैं सुल्तान राही के साहब के दौर में जो फिल्में बन रही थी, उसके बाद अचानक फिल्में नीचे हो गई, डाउन हो गई, तो क्या सुल्तान राही साहब की वजह से भी कोई फर्क पड़ा फिल्म इंडस्ट्री पे? असर पड़ा। आप समझती हैं कि सुल्तान राही साहब की वजह से असर पड़ा? शान की माँ का आपने किरदार बहुत किए, तो आपको कैसा महसूस होता है कि जी सुल्तान राही साहब के बाद शान सुल्तान राही बन रहे थे या उस जैसा गेटअप करते थे, तो क्या आपको लगता है कि सुल्तान राही साहब और शान में फ़र्क था? उसके अपने मतलब जो क्या कहते हैं परस्तार थे जी, वो बहुत से राही के ना, राही के, तो उसने काम भी बहुत किया, तो इतने टाइम में तो इतने उसके परस्तार होने चाहिए या पसंद करने लगे, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया कि हर परस्तार ये समझने लगा कि मैं राही हूँ, भला करता हूँ और अच्छे काम करता हूँ, बुरे कामों से रोकता हूँ, हर बंदा ये बनने की कोशिश। दूसरे ये है कि वो उससे कुदरत ही है कि बहुत प्यार करते थे राही से, हम लोग काम करते थे, आउटडोर जाते थे जहाँ कहीं भी, पहाड़ों में या
पंजाब में या कहीं भी, तो लोग उसको बहुत पसंद करते थे, घेर लेते थे और हमें कई दफ़ा कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता था शूटिंग का। लेकिन वो था भी मिक्सअप लोगों में हो जाता था। अब शान की अपने अभी थोड़ा उसे टाइम ये लगा था बंद करने में, तो इंडस्ट्री बंद हो गई। अब उसका ये आइडिया उस जैसा नहीं अभी नहीं हो सकता। आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बनी और अब तक, आपकी पसंदीदा अदाकार या अदाकाराएं? वैसे तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त और दोस्त है, और इंशाल्लाह अल्लाह से ज़िंदगी दे, मैं भी, मुझे आपको नंबर आपका मिल उसका मिले तो मुझे दीजिएगा। बहार मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि होता है ना इमेज किसी का गलत होता है किसी वक्त किसी जहन में, तो मैंने तो उसको इतना अच्छा पाया है कि मैं बता नहीं सकती। और आपने काम किया है साथ? काम हमने इकट्ठे बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन देख के शौक में जिसके आई वो मैं सबिया जी थी। वाह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मुझे बहुत पसंद थी उनका वो नाजी में एक गाना था, जीवे ढोला मेरा जीवे ढोला, पगली हैं और गाना गाती हैं पागलपन में, तो बस मैं उससे बड़ी मुतासर थी। कभी फिल्म मिले तो देखिएगा, वो गाना बहुत अच्छा उन्होंने किया। आपका सबसे पसंदीदा गाना, आपको जो लगा हो कि आपकी ज़िंदगी में कि जी ये गाना मुझे बहुत अच्छा पसंद है? वैसे गाने तो मुझे कई अपने पसंद हैं, मतलब दिलदार सदके, लखवार सदके वो भी अच्छा है, मतलब पसंद है। और फिर कई कई गानों ने मुझे ज़्यादा इज्जत भी दी, पसंद किए गए, जैसे सुनवे बुलौरिया कवाले, या लेकिन सीधा रास्ता का वो एक गाना है जो मैं और यूसुफ खान गाते हैं, डुइट है। अच्छा। लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा गाना है वो, मुझे पसंद है। लेकिन उन सब से ऊपर खान चाचा का एक गाना है, तियां थे तन पर आया वे बाबला, तू प्यार क्यों ऐना पाया वे बाबला, वो मुझे बड़ा शुद्ध। और वो गाना करते हुए मैं ओरिजिनल रोती थी, मुझे मना करते थे कि गुड्डी की शादी कर रही हैं आप, गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते खेलते शादी कर रही हैं, तो रोना नहीं है आपने, तो वो रोना रुके ना। मैंने उन्हें कहा एम अकरम साहब को, मैं कैसे, मैं क्या करूं, वो आंसू तो रुकते नहीं हैं मेरे, खुद बखुद निकल आते हैं। और आपकी परफॉर्मेंस की वजह से वो फिल्म प्लैटिनम जुबली फिल्म हुई थी और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, आज तक देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह फिर आपसे कोई नशिस्त होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बाबा एहो जी मलम ला के अन्य दिन भी ना लगन, जख्म भी जल्दी पा जाए। मतलब मेरा मतलब है बेचारे दे मां-पिओ नु भी तो नहीं ना पता कि उन्होंने पुत्र नु गोली लग गई, तू कुछ होर ना समझ। मैं भी कितने कमला तीरानी